नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कोरोना वायरस के कहर के बीच पूरी दुनिया में भारतीय कटहल की धूम। जाने आखिर ऐसा क्या हुआ। भारत के देसी फल कटहल को अब दुनिया भर में खूब पसंद किया जा रहा है। कटहल को अब एक नया सुपर फूड कहा जा रहा है। विदेशियों को तो जैसे किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। कटहल एक सुपर फूड जो शाकाहार होने के बावजूद भी मांसाहार जैसा लगता है, या यूं कहें कि शाकाहारियों के लिए इसे मांस के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। जो कच्चा हो तो सब्जी की तरह खाया जाता है और पक जाने पर फल की तरह। जी हां, 2020 का ये सुपर फूड कोई और नहीं बल्कि भारतीय कटहल है, जिसे जैक फ्रूट भी कहा जाता है। भारत के इस देसी फल कटहल को अब दुनिया भर में खूब पसंद किया जा रहा है। कटहल को अब एक नया सुपर फूड कहा जा रहा है। विदेशियों को तो जैसे किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। वैश्विक स्तर पर पसंद किया जा रहा है कटहल। असल में कटहल को मीट का विकल्प माना जाता है। कटहल की बनावट ही उसके बिकने का सबसे बड़ा कारण है। कहा जाता है कि कटहल जब कच्चा होता है तो उसका स्वाद पोर्क की तरह होता है। वो लोग जिन्होंने मांसाहार छोड़कर शाकाहार अपनाया है, उसे इसका स्वाद काफी जाना पहचाना सा लगता है। पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। विदेशी रेस्टोरेंट में कटहल के कोफ्ते, कटलेट, टाकोस आदि बहुत पसंद किए जाते हैं। इतना ही नहीं, वहां तो कटहल को तरह तरह से खाया जाता है। कोई तो कच्चा ही खाता है तो कोई पका हुआ। मेन्यू में जैकफ्रूट केक, जैकफ्रूट जूस, जैकफ्रूट आइसक्रीम भी शामिल है। कटहल को दुनिया के चुनिंदा बड़े और भारी फलों में गिना जाता है। यह फल पकने पर बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट लगता है। खासकर भारत में इस फल से सब्जी, अचार और कई तरह के जायकेदार व्यंजन बनाए जाते हैं। यह फल सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कटहल वजन घटाने से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाव कर सकता है। आइए जानते हैं कटहल खाने के फायदे और उसके खास औषधीय गुणों के बारे में। कटहल एक उष्णकटिबंधीय फल है जो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम भारत से संबंध रखता है। कटहल आकार में छोटे और काफी बड़े दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस फल की बाहरी त्वचा नुकीली होती है। इसे शाकाहारियों का मांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सब्जी बनने के बाद बिल्कुल मांस जैसी दिखती है। पकने पर यह फल अंदर से पीला हो जाता है, जिसे लोग बहुत चाव से खाते हैं। अब आइए जानते हैं कटहल के शारीरिक फायदों के बारे में। हृदय स्वास्थ्य के लिए कटहल का सेवन किया जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कटहल में मौजूद विटामिन सी सूजन को रोक सकता है, जो हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा इस फल में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित कर दिल के दौरे को रोक सकता है। कटहल में विटामिन बी होमोसिस्टीन के स्तर को कम कर सकता है। होमोसिस्टीन वो तत्व है जो हृदय के जोखिम को बढ़ा सकता है। साथ ही इस फल में मौजूद आयरन हृदय को मजबूत रखता है। पाचन स्वास्थ्य। कटहल फाइबर का अच्छा स्रोत है, जो पाचन स्वास्थ्य में मुख्य भूमिका निभाता है। फाइबर आंतों की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने का काम करता है। फाइबर डाइजेस्टिव ट्रैक में सुधार कर पाचन क्रिया को बढ़ावा देता है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ पेट संबंधी समस्याओं जैसे कब्ज, डायरिया व गैस को ठीक करते हैं। वजन घटाने में भी लाभदायक। मोटापा दुनिया भर में प्रमुख स्वास्थ्य खतरे के रूप में बनकर उभरा है। शरीर में अत्यधिक फैट का जमाव मोटापे को परिभाषित करता है। मोटापा कई मामलों में हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह हृदय संबंधी बीमारियों, मधुमेह व कैंसर आदि का कारण बन सकता है। कटहल विटामिन सी से समृद्ध होता है, इसलिए यह मोटापे को कम करने में मदद कर सकता है। कटहल में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मोटापे को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कटहल BMI और फैट मास को कम करने में भी मदद करता है। हड्डियों की मजबूती के लिए कटहल के गुण बेहद अहम है। कटहल में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों की मजबूती और विकास के लिए जरूरी तत्व है। शरीर कैल्शियम नहीं बनाता है, इसलिए इसकी पूर्ति कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों द्वारा की जाती है। स्वस्थ हड्डियों के लिए आप कटहल को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए भी कटहल का सेवन किया जा सकता है। कटहल लिंग्रांस, आइसोफ्लेमेस और सेपोनिन जैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स से समृद्ध होता है, जो कैंसर से लड़ने का काम करते हैं। कटहल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण फ्री रेडिकल को बेअसर करते हैं और कैंसर को भी रोकते हैं। कटहल विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है, और विटामिन सी कैंसर को रोकने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। एक अध्ययन में गर्भाशय के कैंसर से लड़ने में कटहल के महत्व को देखा गया है। इसके अलावा कटहल में मौजूद डाइटरी फाइबर पेट और इसोफेजियल कैंसर को रोक सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कटहल के बहुत फायदे हैं।
कटहल में विटामिन सी होता है जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करता है। विटामिन सी कारगर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य कर इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखता है, शरीर को रोगों से दूर रखने में मदद करता है। आंखों के लिए कटहल खाने के फायदे। कटहल विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होता है। यह दोनों ही पोषक तत्व आंखों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा लेने से उम्र से संबंधित नेत्र रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार विटामिन सी मोतियाबिंद के खतरे को भी कम कर सकता है। स्वस्थ आंखों के लिए आप अपने आहार में कटहल को शामिल कर सकते हैं। एनीमिया। एनीमिया जैसी बीमारी के लिए भी कटहल के फायदे देखे जा सकते हैं। एनीमिया के रोकथाम के लिए कटहल का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि कटहल आयरन का अच्छा स्रोत है और आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। एनीमिया होने का सबसे मुख्य कारण शरीर में आयरन की कमी ही होना है। इसके अलावा कटहल में विटामिन B6 की भी अधिकता होती है। यह पोषक तत्व भी लाल रक्त कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। रक्तचाप। शरीर में रक्त संचालन के लिए भी कटहल के फायदे देखे गए हैं। कटहल पोटेशियम और सोडियम से समृद्ध होता है, जिस कारण यह रक्तचाप के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाने और उचित रक्तचाप बनाए रखने में मदद कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पोटेशियम को उच्च रक्तचाप की रोकथाम और उपचार के लिए शामिल किया जाना चाहिए। खासकर उन लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए जो सोडियम के सेवन को कम करने में असमर्थ है। मधुमेह। मधुमेह की रोकथाम के लिए भी कटहल के गुण देख सकते हैं। कटहल विटामिन बी से समृद्ध होता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन में सुधार कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार कच्चा कटहल प्री डायबिटीज के लक्षणों को उलटने का काम कर सकता है। मधुमेह के लिए कटहल के औषधीय गुणों का उल्लेख भारतीय चिकित्सा पद्धति में भी किया गया है। थायराइड। थायराइड की स्थिति में कटहल अहम भूमिका निभा सकता है। कटहल कॉपर का एक अच्छा स्रोत है, जो थायराइड मेटाबॉलिज्म को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा कॉपर थायराइड विकारों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। त्वचा स्वास्थ्य के लिए कटहल के फायदे। त्वचा के लिए भी कटहल के बहुत फायदे हैं। कटहल विटामिन सी से समृद्ध होता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों से लड़ने का काम करता है। वही विटामिन बी त्वचा कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में मदद करता है। विटामिन सी के एंटीऑक्सीडेंट गुण और कोलेजन की गठन क्षमता इसे त्वचा के लिए खास पोषक तत्व बनाती है। कुछ अध्ययनों के अनुसार विटामिन सी सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को त्वचा से बचाने का काम करता है। कटहल त्वचा को हाइड्रेट कर शुष्कता को कम करने का भी काम कर सकता है। कटहल फाइबर का भी अच्छा स्रोत है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। धन्यवाद।